पीआईएल का मतलब होता है सरकार से जवाबदेही करना, सरकार से जवाब मांगना। ठीक है, तो बताइए हमने क्या गलत स्टेप लिया। आज तक कोई इंडिया में लाखों की तादाद में वकील है मैम, अगर 1 करोड़ वकील ना हो तो तब की बात है। ठीक है, क्या कोई सामने निकल के आया? अगर हमने सामने निकल के आए, हमने डेयरिंग की मैम, इतना डरते हैं, वो कहते हैं कि मत पढ़ इस केस में, तू मत पढ़, अभी छोटी है, इतनी इतनी मैच्योर नहीं है। मतलब मेरी फैमिली के लिए तो मैं छोटी हूँ, वैसे तो मैं मैच्योर हूँ मैम, तो वो कहते हैं कि मत पढ़ इस केस में, हमारा हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं इस चीज से तेरे बारे में सोच के। तो मैम मैं उन्हें भी मनाती हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल होता है उन्हें कन्वेंस करना। एक लेडी है वो आके हंसती है, हंसते हंसते पागल हो जाती है। मैम आपको बोल रहे थे इतना, मतलब इतनी समझ नहीं है, बट तुम भी तो पंचायत लगा के बैठते हो, क्या तुम वहां जाके नहीं हंसते? हमने तो कभी किसी की हंसी को नहीं रोका जी मैम। और मैम वो लोग बोलते हैं, अगर हम उनसे पूछने लगे तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है बताओ, हमने कौन सा गाली दे दी मोदी जी को और योगी जी को? हम यही तो कहते हैं कि हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, हमारी सरकार एक्शन नहीं ले रही। तो मैम क्या हमें इतने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि हम बीजेपी को वोट कर सकते हैं लेकिन हम उनसे सवाल नहीं कर सकते? 4 औरतों में वो छक्का आ जाता है तो तू पाकिस्तान में क्या करने जाती है? जी तू पाकिस्तान में क्या करने जाती है? है अपने दुश्मनों के मुल्क में तू क्या करने जाती है ये बता दे। मतलब सीमा यहाँ आ गई तो तू वहां चली जाती है? है अगर मर्चेंट को बोलने की तमीज नहीं है, चलो एक मिनट के लिए मान भी लेती हूँ, जबकि कविता मैम, साक्षी मैम आप शुरू से मेरे को देख रहे हो, मैंने आवाज उठाई थी कि मर्चेंट सर आप बदतमीज मत बोलो किसी भी लेडी को। मैंने यहाँ भी मतलब 2 पैनल पे, 1 शाहिद के पैनल पे और यहाँ भी 2 बार 3 बार आवाज उठाई थी, फिर मर्चेंट सर ने भी जो है अपने आप को कंट्रोल किया, मुझे भी कहा, इवन की मुझे भी कहा तू ये लगती है पूनम की, तू वो लगती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई मैंने पूनम की फेवर नहीं ली या मर्चेंट सर को। ठीक है कोई अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाता, वो नहीं कंट्रोल कर पाते, और इस बात को हम भी समझ गए हैं कि फ्रीडम है, अपनी विचार रख सकते हो आप, है या तो पैनल पे बैठो मत या उसको सहन करने की शक्ति रखो। पर आपने ये कैसे कह दिया कि 4 औरतों में वो छक्का आ जाता है? 4 औरतों का नाम आज के बाद मत लेना पूना मैडम, मैं आपको कान खोल के बता रही हूँ। अगर इन चार औरतों में से किसी एक का भी आपने नाम ले लिया ना, फिर देखना मैं पूछूंगी मैं आपको उसी पैनल पे, सुजात सर के पैनल पे आके शर्म आनी चाहिए आपको, कैसे बात करते हो फिर आप में और मर्चेंट में फर्क क्या रह गया ये बता, चलो ये बता दो मुझे। हम सोचते हैं चलो पैनल पे मर्चेंट का नाम लेते हैं ये जाके, तब इन्हें नहीं दिखता? नहीं कहती है वो जो एक हिंदुस्तानी वकील है, वो जो एक हिंदुस्तानी, मतलब तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? है ऐसे बोलते हुए तू ऐसे बोल रही है? एक दुश्मन देश में अपने देश की लड़की को तू वो हिंदुस्तानी, तू कहाँ की है? तू पाकिस्तान से आई है या किसी लोक पर लोक से आई है? चल बता दे तू मुझे, तुझे कौन सी रिस्पेक्ट है? तू इतनी बड़ी अपने वो कहते हैं ना कि है ना अपने से ऊंची कुर्सी होनी चाहिए, तो तू शो ऑफ करती है कि मैं इस पोस्ट में हूँ, मुझे तो तू मुझसे भी गवार लगती है। मैं खुद को कम पढ़ा लिखा समझती हूँ पर तुझे तो मेरे जितनी भी अक्कल नहीं है, तू दादी परदादी हो गई है, तुझे बोलने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तू कहती है वो जो हिंदुस्तानी एक वकील है ना उनके पैनल पे 4 औरतें बैठती हैं और उसमें छक्का आ जाता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे घर में कितने छक्के हैं ये बता दियो। सुन तू मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है? जी 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 एस मैम आप कुछ कहेंगे प्लीज बोलिए। यार मुझे तो यही बोलना है, मारो गोली इनसे, मतलब इस सारी हरकतों से ना मुझे तो हैरानी हो रही है यार। 50 साल के तुम बुढ़े हो रहे हो, ठीक है, तुम्हारी बेटी के बच्चे हैं आगे और आप ही तुम ये सब बातें करते हो। मुझे कह रही है कि ये झूठी है, मेरे बारे में बकवास करती है, पाकिस्तान की पढ़ाई करती है। अभी मुझे क्या पड़ी है, मैंने तो
दिन यही बोला था कि हमें कोई पाकिस्तानी अपने इंडिया में नहीं चाहिए, ये पता नहीं कहाँ से बहरी मैडम सुनती जा रही है सारी चीजें। एंड आई थिंक कि छोड़ो यार मारो गोली, ये मर्चेंट जी भी ऐसे ही है, लेकिन मर्चेंट जी उसको समझ है ही नहीं। यहाँ ना हमारे इस पैनल पे, साक्षी के पैनल पे अमन बोल के गया कि रहने दो पूनम मैडम को तो कुछ पता ही नहीं है, उन्हें बोलना भी नहीं आता। फिर दूसरे दिन क्या कहती है सुजात के सुनो, सुजात के पैनल पे क्या बोलती है कि ना वो मुझे एक बोलता है कि इसको तो बोलना ही नहीं आता, कल तू आज तू कल तू उसी के साथ डिबेट पे बैठी हुई थी, तो तूने तो 10 बार सुन के किसने कहा है, नाम लिखा हुआ आता है, फिर उसे क्या नाम लेके बोल के अमन तूने मुझे ऐसे क्यों कहा, और अमन से ही तू कल है ना हंस हंस के दांत फाड़ फाड़ के तू बातें कर रही है। और बात क्या थी कि उसने कहा मोना ने के पता नहीं अलीना ने कहा कि है ना पूनम मैडम बोलो लिपस्टिक खराब हो जाएगी पूनम मैडम, इसलिए उनका कहने का कोई और तात्पर्य था। वो एक कहावत है ना कि वो बोलेगी नहीं क्योंकि आज उसने लिपस्टिक लगाई हुई है कहीं खराब ना हो जाए, तो उसका नहीं वो क्या समझती है कि मैं ना लिपस्टिक लगाती कभी कभी हूँ। अरे यार गेमर छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी करे वो उनका मेंटल लेवल पता लगता है। नहीं यार ये कैसे बोल दिया कि भाई चार और तो आपको पता है मेरे हस्बैंड अभी कह रहे थे, नहीं वो कह रहे हैं कि चल दशहरा देखने चलेंगे, मैंने कहा नहीं लाइव शुरू हो गई है आज मैं इसको सुनाऊंगी जरूर, मैं कहा आप जाओ मैं नहीं जा रही हूँ, आज मैं इसका रावण जलाऊंगी। लाइव सबके सेव्ड होते हैं यहाँ पे, कोई भी कहीं भी कुछ भी वापस प्ले करके सुन सकता है किसने किसके बारे में क्या किया है। मुझे तो इन आंटी जी का समझ नहीं आता है, एक दिन किसी के लाइव में बैठ के कह रही है मैं फ्रूट लेके गई जिस आश्रम में मैं लड़कियों के पास जाती हूँ, अरे यार 100-200 रुपए की तुम फ्रूट ले जा रही हो वो गिनवा रही हो, हद होती है यार हद होती है, ये चीजें कौन भी पाता है। हमेशा हर बार आके बोलेंगी मैं ये सेविका हूँ मैं वो सेविका हूँ, जब इतनी बड़ी सेविका हो तो तुमने आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और जो एक्शन ले रहे हैं या जो कोई बात कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक पे हमेशा बात करते हैं तो जाके उधर चुगलिया पंचायती करती है या मैडम जी, तो इतने बड़े ओहदे पे है इतने बड़े घर से है कर ली गाड़ी, और एक दिन बच्चों को देखे तो नोएडा जाके देखे ना, नहीं 1000-1200-2000-3000 रुपए लग जाएंगे और क्या होएगा। हाँ सुनो, और गेमा मैं बताती हूँ, ये जैसे मैं पिछले 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ सबसे, यहाँ पे जब मर्चेंट जी बैठ के सीमा को पहले इनके पैनल पे गालियां देते थे तब इस मैडम ने रोका नहीं कभी, ठीक है। अब ये मर्चेंट ने जब इन्हें गालियां दे दी किसी बात पे आपस की इनकी लड़ाई हुई, अब जस्ट बिकॉज मर्चेंट यहाँ बैठता है तो इनको मिर्चे लग रही है और हमें बकवास कर रही है, और ये मेरा कि ये पता है आग लगाने वाले काम कर रही है, मैं तो मेंटालिटी पे मेरे को इतना दुख होता है हो गई है। तो वो एक क्या है कि वो मैं शुरू से ही हूँ ना इनकी डिबेट में, उन्होंने शुरू से इनको एक बार कह दिया जैसे भाई कह ही देते हैं ये एपीसी का दलाल है ये एपीसी का वो है, तो इन्होंने कह दिया एपीसी का, मैं वहीं पे एक मिनट गया, जब सीमा को गालियां देते थे तब इन लोगों ने क्यों नहीं रोका, तब ये तब क्यों नहीं बोली, मैंने कहा आप किसी लेडीज को गाली मत दो, बल्कि मैं मतलब सर के अगेंस्ट हुई। सुनो अब पता है क्या हो गया, अब कह रही है शायद हैदर ही बेकार आदमी था, उसने पता नहीं कैसे टॉर्चर किया है सीमा को, अपने लाइव में बैठ के यही बोलती रहती है। अरे भाई मुझे समझ नहीं आता, एक जगह तो टिक जाओ, ये क्या कभी इस कोने में कभी उस कोने में थाली का बैंगन बनी फिर रही है, जहां बैठती है वही उल्टी बात करती है। अब मारो बोली यार हमें फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी करती रहे, मेरे को तो ये हैरानी हो रही है इस पे कि इतना बड़ा ये अपना हंगामा करती रहती है, मैं ये हूँ मैं वो मैं फलाना हूँ, मैंने आज ये इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू दिया, अभी इंटरव्यू बैठ के मोदी जी देख रहे हैं और योगी जी को कहेंगे जोगी जी, जोगी जी थोड़े ना देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू वो दोनों देख रहे हैं, मैं के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। अबे यार नहीं कविता मैम, उसके यूट्यूब पे सुन वो कहती है मोदी जी योगी जी वो है ना नॉर्वे का एक मर्चेंट है ना, मेरी आपसे अपील है कि ना इस पे ना केस डाल रहे, नहीं नहीं सुन तो सही सुनो, मैं ये कहती हूँ कि इतने बड़े तू ओहदे पे है तो तूने एक्शन क्यों नहीं लिया, तूने ऑनलाइन कंप्लेन क्यों नहीं एपी सिंह उसको की, आजकल कहती है मैंने एपी सिंह से बात की है गेमर। अच्छा सुनो पता है क्या, साक्षी और कविता जी को धमकी दे रही थी कि मैंने तुम लोग मर्चेंट के साथ बैठते हो उसको साथ लेते हो, मैंने तुम्हारी कंप्लेन योगी पीएम को कर दी है। अबे यार तुम पागल औरत हो क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब हद होती है केस,
एस कल बोल रही थी वो एस लगना चाहिए इस पे, चमार चूड़ा हाँ, कुछ ऐसे करके बोल रही थी। तुम किसी दलित को ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई, क्या राइटर क्या इंसान नहीं है? साक्षी मैं करूंगी केस इसके ऊपर। जो मीना सरनेम है ना, मीना कास्ट है, वो एससी एसटी एक्ट में आता है, एससी एसटी कोटे में आता है, कैटेगरी में। ये उस दिन बैठ के वहां पे उनको सी एच यू डी ए सी एच ए एम ए आर बोल रही थी, एक साल की सजा है, सुनवाई भी नहीं होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये बैठ के वहां पे बोल रही थी ना बड़ा, तो ये यहाँ पे ये हमारे साथ पंगा ले। फिर दिखाते हैं हम आज पूनम आंटी को कि क्या होता है। आपसे उम्र में आधे हैं, आपसे ज्यादा स्टैमिना है, आपसे ज्यादा एनर्जी है, आपसे ज्यादा बोल सकते हैं, और जुबान में तो किसी की तेरी भाई अपनी लड़ाई है, तू खुद हैंडल। मैंने पहले भी कहा भाई आप आपस में हैंडल कर लो, मर्चन सर आप आपस में, पर तूने ये कैसे कह दिया चार औरतें बैठती है, साले तुझे खाना देंगे ये चारों औरतें।